नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, विद्यार्थी जगत के लिए महत्वपूर्ण खबरों का संकलन जो कि विभिन्न स्रोतों से हम लाए हैं, कल और आज का मिला करके आप यदि पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, टीचर, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नई अपडेट, नई खबर आएगी तो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, आज हमारा नया प्रयास है, 4 तारीख यानी कि 4 जुलाई 2023 है। वीडियो देखने के बाद आप एक बार नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको खबरें कैसी लगी और क्या ऐसी अपडेट आप चाहते हैं। तो जैसे यूपी पीसीएस के बारे में है, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में है, यूपी पुलिस के बारे में है, ठीक है, रेलवे के बारे में है, परिवहन विभाग में भर्तियां आई, चलिए एक एक के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्त, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट के साथ साथ जीके और जीएस की विभिन्न वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन मिले इसके लिए घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है, वीडियो कर देना है लाइक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला खबर जो कि कल काफ़ी दिन सुर्खियों में शाम तक रहा, उसके बाद आज के अखबार में भी इसे देखने को मिला है, क्या है कि यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी एक संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम करवाती है, इसमें से यूपी पीसीएस मतलब पीसीएस लेवल के यहाँ पर लोग भर्ती होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने 100 विशेषज्ञों को हटा दिया है। अब क्या है मामला, 100 विशेषज्ञों को क्यों हटाया है, तो आपको पता होगा कि अभी पिछले महीनों में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है कि बहुत सारी त्रुटियां क्वेश्चन में देखने को मिली हैं, बहुत क्वेश्चन गलत थे। तो ये सब जांच करने के बाद जो भी वहां पर विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस काम को किया था, उनको 100 लोगों को यहां पर हटा दिया गया है। तो हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी संस्था द्वारा 80 लोगों को यहाँ से हटाया गया था, लेकिन 2023 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, फिर भी इसमें वहाँ पर गड़बड़ियाँ नहीं सुधरी, बहुत सारी यहाँ पर त्रुटियाँ आई, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो यह सब देखते हुए यहाँ पर 100 से ज़्यादा विशेषज्ञों के टीम को यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है, पैनल से। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि विभिन्न विषयों से संबंधित, ठीक है, 100 विशेषज्ञों को उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग में गोपनीय कार्यों से विरत कर दिया गया, यानी कि गोपनीय कार्यों से हटा दिया गया है, और भविष्य में गुणवत्ता की समीक्षा इसी तरह चलती रहेगी, और समीक्षा के दौरान उनकी गुणवत्ता या मूल्यांकन में कोई भी त्रुटि या पाई जाती है तो उनको आयोग पैनल से ही बर्खास्त यानी कि हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी खबर आती है यूपी ट्रिपल एससी जेई से, ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एग्ज़ाम दिए हों, 2016 की यह भर्ती है, और इसका कल अभी रिजल्ट आया, 386 पदों पर रिजल्ट आया, और यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जो जो भी सेलेक्ट हो गए हैं बहुत बहुत बधाई, हमने इसके बारे में कल वीडियो भी बनाया था, तो उसमें कई लोगों का कमेंट आया है कि नीचे प्रोविजनल दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ गड़बड़ियां थी, कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी, तो उसको आप सही करवा लीजिए, बाकी अन्य कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करें 2018 जेई वालों की, तो अब इनका ही नंबर है, अब इनका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट इनका जल्द ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर की बात करें जो कि आज प्रकाशित हुई है, परिवहन निगम में जल्द होंगी भर्तियां, सरकार ने की तैयारियां। आप देखिए, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व सहायक विधि अधिकारी की संविदा पर होगी नियुक्ति, और यहां पर 1600 परिचालकों की होगी भर्ती। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो 547 कर्मियों की भी होगी भर्ती, जिनमें से यहाँ पर कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न भर्ती की जाएगी, केंद्र प्रभारी के लिए 93, मैकेनिकल के लिए 240, इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 और सहायक स्टोर कीपर के लिए 25 पद, जबकि द्वितीय चरण में 164 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसमें मैकेनिकल के 30, इलेक्ट्रीशियन के 31 एवं असिस्टेंट स्टोर कीपर के 103 पद हैं, टोटल 2 चरणों में यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिवहन विभाग में जो भी आवेदन करना चाहते हैं जल्द ही इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं। यहां पर खबर की बात देखें तो कल देखिए यूपी मिशन मतलब मिशन रोजगार यूपी की तरफ से फिर एक बार पुष्टि की गई कि 52,000, ठीक है, 52,699 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। तो बहुत बार यह वैकेंसी की खबर आ चुकी है, तो ऐसा मान के लिए कि वैकेंसी तो आनी ही है, थोड़ी बहुत कम तो नहीं होनी चाहिए, चुनावी माहौल है, पूरी की पूरी आएंगी, बस आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जुलाई में ही, ठीक है, ऐसा सरकार के द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा कहा गया है। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है इसका पहले टेंडर आएगा, टेंडर आने के बाद टेंडर कन्फर्म हो जाएगा, तब इसका
जारी किया जाए, या हो सकता है दोनों प्रक्रिया समानांतर ही चलती रहें। तो 52,699 पद आने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, एज में बात करें तो एज में छूट देखिए मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि एक वर्ष तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अखबार में अभी कुछ दिन पहले आया था तो 18 से 23 वहाँ पर लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर 23 से क्या होगा। ठीक है, पिछले 4-5 सालों से भर्ती नहीं आई है, हो सकता है या छूट बढ़ के मिले या फिर न भी मिले, क्योंकि ऐसा भी खबर आ रही है कि छूट मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक भर्ती हुई थी जेल वार्डर और फायरमैन की। ठीक है, जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती थी और 2021 में हुई थी परीक्षा और आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। कैसे खुला रहा है देखिए, 2021 में हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसका पेपर दिया हो, हमने भी तो दिया था, लेकिन लास्ट में फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। यहाँ पर जब खुला राज तो नौकरी करने से कह दिया, नौकरी न करने की कह दी बात। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जेल वार्डर भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस के अंतर्गत आती है, जो कि साल भर बैठा कर परीक्षा पास कर ली थी उसका भी चयन हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग हुई तो उसका बायोमेट्रिक डाटा मिसमैच हो गया। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि परीक्षा देने वाला शख्स कोई और था, और इसी आधार पर पुलिस भर्ती बोर्ड एसएसपी ने अभ्यर्थी व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ठीक है, 2021 में जेल वार्डर की परीक्षा हुई थी और 1 जुलाई 2021 को जरैला अकबरपुर निवासी फिरोजाबाद का साहिब सिंह का नाम का अभ्यर्थी चयनित हुआ था और 27 मार्च 2023 को ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचा। हालांकि ज्वाइनिंग इन्होंने लेट किया इसी कारणों से कि हम पकड़े ना जाएं, लेट में करेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जब उसका डाटा मिलाया गया तो वहाँ पर पता चल गया और डाटा को भेज दिया गया फॉरेंसिक जांच के लिए। अब यहाँ पर उसके खिलाफ़ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, अब आएगा इनको, मतलब इनकी ज़िंदगी तो गई। ठीक है, अब भले ही नौकरी न करने से इनकार कर रहे हो, लेकिन साल भर बैठाने के जुर्म में, नकल करने के जुर्म में या तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे, एफआईआर दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट खबर यहाँ पर बात करें जो कि DLED में प्रवेश को फिर मिलेगा आवेदन। आपको इसमें बता दें जितनी सीट थी उसका 1/4 यानी कि जितनी उम्मीद थी, यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी खबर कि 67 जिला शिक्षा संस्थान डायट को 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,770 कुल 2,83,350 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। ऐसे में सीटों की तुलना में तकरीबन 1/4 आवेदन होने से निजी कॉलेज भी परेशान है और परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने कार्यालय की ओर से शासन को आदेश का एक और मौका देने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा DLED वालों को। यहाँ पर देखेंगे एक खबर यहाँ पर बहुत चल रही है कि रेलवे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की जो भर्ती होती है, अब आने वाली भर्तियों में यहाँ पर इसकी योग्यता क्या मांगी गई है। हालांकि इसका पुष्टि रेलवे विभाग ने पहले भी किया था कि अब आने वाली भर्तियों में यहाँ पर योग्यता चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब रेलवे में तकनीकी विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल टेलीकॉम विभागों में कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में 15/6/2019 के बाद अधिसूचित किए जाने वाली सभी भावी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यहाँ पर देखेंगे 10वीं उत्तीर्ण प्लस राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त किया जाएगा और नेशनल किया जाएगा। ठीक है, और नेशनल अप्रेंटिस प्रमाण पत्र 10वीं प्लस ITI। ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं के बाद यहाँ पर ITI भी आपका होना चाहिए। तो यदि आपके पास नहीं है, इसमें करने के इच्छुक हैं आने वाली भर्तियों के लिए तो ITI इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। ITI देखिए सभी कोर्स 2 ईयर के नहीं होते, कुछ 2 साल का होता है और कुछ 1 साल का भी होता है, तो 1 साल वाले में आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। हालाँकि अभी इसकी भर्ती तो नहीं आनी है, जब आएगी तो इसके बारे में ऐसा पहले से ही बता दिया गया है अखबारों के माध्यम से कि अब इसमें लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल में अब उत्कृष्ट विद्यार्थियों से कुलपति चुनेंगे राज्यपाल। तो यहाँ पर छोड़िए, यह बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें जो सेंट्रल यानी कुलपति की बात करें, ठीक है, यहाँ पर कुलपति की बात करें जो सेंट्रल में होता है, सेंट्रल यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इनका कार्यकाल 5 ईयर का होता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में इनका कार्यकाल 3 ईयर का होता है। और राज्यपाल की बात करें तो जो राज्यपाल होते हैं अपने राज्यों के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो यहाँ पर यह सभी खबरें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम से, आप टेलीग्राम पर @ लगा के कन्हैया GS वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।